हे गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, फाइनली 2.7 का जो अपडेट है पबजी मोबाइल को धीरे धीरे रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। ये जो वर्जन आप देख पा रहे हैं पबजी मोबाइल वियतनाम वर्जन है। जैसे ही हम लोग को पबजी मोबाइल प्ले स्टोर वाला सेटअप मिल जाएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, बट अगर आपको विदाउट वीपीएन वाला सेटअप चाहिए तो उसके लिए आपको 13 जुलाई का वेट करना होगा। 13 जुलाई सुबह 7:30 बजे आपको वेबसाइट वाला सेटअप मिल जाएगा। उसको अगर आप इंस्टॉल करोगे तो आपको कोई वीपीएन का जरूरत नहीं पड़ेगा, और इवन iOS यूज़र को भी 13 तारीख को सुबह 7:30 बजे मिलेगा। बाकी अगर आप एंड्रॉयड में खेलना चाहते हो वीपीएन लगा के और आपके पास डेटा का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आज शाम को या कल सुबह तक आपको पबजी मोबाइल ग्लोबल का प्ले स्टोर वाला सेटअप मिल जाएगा, और कल पबजी मोबाइल के आर का भी अपडेट आ जाएगा एंड्रॉइड iOS दोनों में, तो मैं वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो में हम लोग 2.7 का पहला कंटेंट देखने वाले हुए हैं सिल्वर शॉप। तो गेस व्हाट, इस बार 2.7 में जो सिल्वर शॉप रिफ्रेश होकर आया है बहुत ही बेहतरीन चीज़ गेम के अंदर ऐड हो चुका है। उसके साथ साथ पबजी मोबाइल बोला था कि हम लोग को 13 तारीख को ड्रैगन बॉल जी का मोड देखने को मिलेगा। अगर आप एनी हाउ कहीं से भी अपडेट कर लेते हो वीपीएन वाला सेटअप तो आपको आज ही से ड्रैगन बॉल खेलने का मौका मिल जाएगा ये मोड, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अब देखिए ये जो मोड है दोनों मोड का डेट अलग अलग बताया था, जैसे 13 बताया था और 15 बताया था, बट करेंटली जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं दोनों मोड अवेलेबल है। आप कोई भी मोड को खेल सकते हो और इसमें आप मैच मेकिंग में भी जा सकते हो। ठीक है, बाद में ये हटा देगा तो मुझे आइडिया नहीं है, बट करेंटली जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो दोनों मोड अवेलेबल है, आप जाकर खेल सकते हो। अगर आप वियतनाम वर्जन डाउनलोड करना चाहते हो मैं आपको सेटअप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और ग्लोबल वर्जन का वेट करना होगा थोड़ा सा, जैसे मिल जाएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलो अभी हम फटाफट से सिल्वर शॉप देख लेते हैं। सिल्वर शॉप आपको सब वर्जन में सेम देखने को मिलेगा, चाहे वो ग्लोबल वर्जन हो वियतनाम वर्जन हो। तो इस बार हम लोग शॉप में क्लिक करेंगे, इधर आप देखो रिडीम में क्लिक करेंगे और इधर हम लोग सिल्वर में क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस बार सिल्वर शॉप में बहुत ही बेहतरीन आइटम है। सबसे पहले 2 लेजेंडरी गन ऐड हो चुका है गेम के अंदर। विल इन्वेडर P1911 नाम का एक पिस्टल आपको देख पा रहे हैं, ये वाला पिस्टल गेम के अंदर ऐड हो चुका है। ये एक लेजेंडरी कैटेगरी का पिस्टल आपको दिखाई दे रहा है और इसका कॉस्ट आप देख पा रहे हो 245 सिल्वर में। आप इसको 7 दिन के लिए ले सकते हो, 1050 सिल्वर से आप 30 डेज के लिए ले सकते हो, और 2100 सिल्वर से आप इसको परमानेंट रिडीम कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहला वेपन जो कि गेम के अंदर ऐड हो चुका है। उसका नेक्स्ट जो वेपन गेम के अंदर ऐड हुआ वो आप देख पा रहे हो विल इन्वेडर S1897। तो ये वाला जो शॉटगन आप देख पा रहे हो ये गेम के अंदर ऐड हो चुका है, बहुत ही बेहतरीन शॉटगन लग रहा है। अभी आपको पता है शॉटगन का मेटा चल रहा है गेम के अंदर, चाहे वो DBS हो या कोई भी शॉटगन हो, अगर आपको अच्छा से चलाना आता है तो भाई कोई भी शॉटगन डेडली हो जाता है। तो ये स्किन को आप ले सकते हो। इसका कॉस्ट आप देख पा रहे हो 7 दिन के लिए 261 सिल्वर लगेगा, 30 दिन के लिए 1120 सिल्वर लगेगा, और अगर आप परमानेंट लेना चाहते हो तो 2240 सिल्वर आपको देना पड़ेगा और आपको ये वाला शॉटगन परमानेंट मिल जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा नीचे चलते हैं देखते हैं और कुछ चीज ऐड हुआ है कि नहीं। इसमें कुछ भी चीज ऐड नहीं हुआ। एक लेजेंडरी कैटेगरी में हेडगियर ऐड हुआ, जैसे कि आप देख पा, इसका नाम है विल एडवेडर कवर, और ये जो कवर आप देख पा रहे ये आप परमानेंट रिडीम कर सकते हो, लेजेंडरी कैटेगरी का है। 7 दिन के लिए 131 सिल्वर, 30 दिन के लिए 560 सिल्वर, और परमानेंट लेना चाहते हो तो 1120 सिल्वर देकर आप ये हेडगियर को परमानेंट रिडीम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा नीचे चलते हैं तो इधर आप देख पा रहे एक परचेज बोनस वाला जो आउटफिट का जो हेडगियर है वो ऐड हो चुका है। भाई ये तो स्कैम हो गया, परचेज बोनस है जो बंदे लिए थे। वैसे तो परचेज बोनस से फ्री होता है, यूसी ऐड करना पड़ता है, बट जो जो बंदे यूसी का बिना खेलना चाहते हैं तो उन लोग को फायदा मिलेगा ये आउटफिट एंड हेडगियर का। तो अगर आपको ये वाला हेडगियर चाहिए तो इसको आप 7 दिन के ले सकते हो 78 सिल्वर में, 30 दिन के लेना चाहते हो 336 सिल्वर देना पड़ेगा, अगर आप परमानेंट लेना चाहते हो 672 सिल्वर आपको देना पड़ेगा और आपको यह चीज परमानेंट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका मार्क्स कैटेगरी में एक और चीज ऐड होते हुए दिख जाएगा। इधर आप देख पा रहे अंडरवर्ल्ड आउटलॉ मार्क्स आपको दिखाई दे रहा, ये भी सिल्वर शॉप में ऐड हुआ ये वर्जन में। तो 7 दिन के लिए आपको 69 सिल्वर देना पड़ेगा, 30 डेज के लिए आपको 294 सिल्वर देना होगा, और अगर आपको ये मार्क्स परमानेंट चाहिए तो 588 सिल्वर आपको देना पड़ेगा। अच्छा से मैं आपको थोड़ा देर बाद दिखाऊंगा सब आइटम, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन आइटम ऐड हुआ, उसके बाद मैं आपको अच्छा लुक में दिखाने वाला हूँ। ठीक है, सब कुछ इक्विप करके उसका थोड़ा नीचे चलता है और लेजेंडरी कैटेगरी में एक आउटफिट ऐड हुआ जो कि आप देख पा रहे, और ये आप देख पा रहे इसको आप परमानेंट ले सकते हो। 7 दिन के लिए लेना चाहते हो तो 294 सिल्वर देना पड़ेगा, 30 दिन के लिए लेना चाहते हो तो 126 सिल्वर देना पड़ेगा, और अगर आप परमानेंट लेना चाहते हो तो 2520 सिल्वर आपको देना पड़ेगा। और ये जो आप देख पा रहे हो आउटफिट ये आप परमानेंट ले सकते हो, काफ़ी बेहतरीन आउटफिट लग रहा है, थोड़ा बहुत इंडियन वाइब्स दे रहा था। अगर आप इंडियन प्लेयर हो और आप पबजी मोबाइल खेलते हो तो ये आउटफिट आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हो। उसका थोड़ी से चलेगा तो आपको एपिक कैटेगरी में 2 और आउटफिट देखने को मिलेगा। थोड़ा नीचे और चलते हैं, बहुत सारा आउटफिट ऑलरेडी सिल्वर शॉप में ऐड हो चुका है। इधर आप देख पा रहे हो फिस्ट फाइट मेडन सेट आप देख पा रहे, ये परचेज बोनस वाला ये आपको इधर देखने को मिल रहा है। 7 डेज के लिए लेना चाहते हो तो 147 सिल्वर देना पड़ेगा, 30 डेज के लिए लेना चाहते हो तो 630 सिल्वर देना पड़ेगा, और अगर आप परमानेंट लेना चाहते हो तो 1260 सिल्वर देना होगा, और आपको ये आउटफिट
परमानेंट मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ये आउटफिट नहीं चाहिए, ये आउटफिट चाहिए, तो इसका कॉस्ट देख लीजिए। 7 दिन के लिए आपको 131 सिल्वर देना पड़ेगा, 30 दिन के लिए आपको 560 सिल्वर देना पड़ेगा, और परमानेंट लेना चाहते हो तो 1120 सिल्वर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीन कॉस्ट आप देख पा रहे हो, यही आप ले पाओगे, जो पसंद आप ले लेना। और इसमें और कुछ चीज़ ऐड नहीं हुआ, इसमें ज़्यादातर जो फोकस है वो आउटफिट एंड वेपन्स में दिया गया है। इसमें थ्रोबल बैकपैक उपैक में कुछ भी चीज़ नया ऐड नहीं हुआ ये वर्जन में, ठीक है। तो चलो अभी मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ कौन कौन सा आउटफिट कौन सा हेडगियर के साथ अच्छा लगेगा, सो डैट आप चूज कर सकते हो कि कौन सा लेना बेटर होगा, ठीक है। सबसे पहले ये पिस्टल देख पा रहे हो, ये आप ले सकते हो, ठीक है। उसका दिया हुआ शॉटगन आप देख पा रहे हो, शॉटगन भी काफ़ी अच्छा है। उसका जो लेजेंडरी कैटेगरी का जो आउटफिट एंड हेडगियर है वो आप देख पा रहे हो, कुछ इस तरह का है। और आप लोग कमेंट करना कैसा लगा, फीमेल कैसे दिख रहा है। अगर आप मेल कैरेक्टर यूज़ करते हो तो ये थोड़ा बल्कि दिखेगा, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये चीज़ आप ले सकते हो अगर आप लेना चाहते हो तो। उसका ये वाला हेडगियर और ये वाला आउटफिट आप देख पा रहे, ये पूरा सेट है इसका। और इसको भी थोड़ा रिसेट कर लेते हैं, फिर से हम लोग देख लेते हैं विदाउट एनी फायर आर्म। तो ये पूरा आउटफिट आपको मिल जाएगा एपिक कैटेगरी में, थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा। तो अगर आप दूसरा आउटफिट लेना चाहते हो तो ये आउटफिट भी आप ले सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो गाइस ये कुछ आइटम था जो कि सिल्वर शॉप में ऐड हो चुका है। और उसके साथ साथ मैं आपको मिथिक फॉर्ज दिखा देता हूँ जो कि ऐड हो चुका है। इधर आप देखो मिथिक फॉर्ज आप देख पा रहे हो, और फाइनली ये रिफ्रेश होकर आ चुका है मिथिक फॉर्ज, जिसमें आपको अपग्रेडेबल कुछ गन्स भी दिखाई दे रहा। तो इधर आप देख पा रहे हो, मैं आप दिखा दूँगा कौन कौन सा चीज़ इस बार ऐड हुआ है। तो इधर आप देख पा रहे, ये वाला आउटफिट ऐड हो चुका है, चेरी ब्लॉसम सेट। उसके साथ साथ ये बैकपैक मिथिक वाला, ये मेरा मेन आईडी में मिथिक बैकपैक है जो कि फ्री में मिला था भाई, लक उस टाइम चला था एक बार। उसके बाद आप देख पा रहे, ये वाला आउटफिट भी आप ले पाओगे, ये मार्क्स आपको दिखाई दे रहा है, ये भी ले पाओगे। उसके बाद ये जो आउटफिट है मुझे सबसे बेहतरीन लगा, ये बियर वाला, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर बीजा में कभी आता मिथिक फॉर्ज तो भाई इसको निकाला जाएगा, पूरा सेट बहुत ही ओपी लग रहा है। उसके बाद आप देख पा रहे हो बाकी जो आइटम हो तो पहले से ही था। उसका जो वेपन्स ऐड हुआ वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो इधर आप देख पाए SKS का स्किन ऐड हुआ, जो कि आप मैक्स वर्जन करोगे तो ऐसे कुछ लगेगा। उसके साथ साथ मिनी 14 का भी स्किन ऐड हो चुका है। इधर आप देखो इसको मैक्स करोगे तो कुछ ऐसे लगेगा। तीन वेपन ऐड हुआ और तीन आउटफिट ऐड हुआ, ठीक है। और उसके साथ साथ एक और वेपन ऐड हुआ, MK14 है शायद, देख रहे थे कौन सा। जी हाँ, ये MK14 आप देख पा रहे, ये भाई लेवल 1 का ही नेक्स्ट लेवल लग रहा है। मैक्स लेवल का तो देखो कितना ओपी लग रहा। तो ये तीन वेपन एपिक कैटेगरी में ऐड हुआ है। उसके साथ साथ तीन आउटफिट में दिखा दिया मिथिक फौज का। ये 2.7 का अली इवेंट्स एंड चीज़ें दिखा दिया। इसके बाद एक से बढ़कर एक इवेंट उवेंट आएगा ड्रैगन बॉल, तब तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। डेफिनेटली चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो पबजी के, अगर आपको कोई कंटेंट मिस नहीं करना था, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।